फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आप में से बहुत सारे कपल्स अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कपल्स अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा रहता है ये जानने के लिए कि कब वो प्रेग्नेंट हो सकेंगे। प्रेग्नेंट आप तभी होंगे जब आपका एग यानी कि आपका अंडा आपकी पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलेगा, यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जब एक महिला का एग स्पर्म के साथ मिलता है तो उनको कैसा महसूस होता है, यानी कि एग और स्पर्म मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन का सिम्टम्स क्या है, और ये फर्टिलाइजेशन या फिर एग और स्पर्म का जो मिलन होता है वो कब होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पहले हम जानते हैं कि एक महिला का एक स्पर्म के साथ कब मिलता है। जनरली एक महिला का जो एग है वो उनके पीरियड के 14 डे के बाद या फिर 15 डे या फिर 16 डे डिपेंडिंग अपन हर पीरियड साइकिल लेंथ रिलीज होता है। सो एग रिलीज होने के बाद ही वो स्पर्म के साथ मिलता है। सो अगर आप ओवुलेशन के दिन या फिर ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलने का पूरा चांस है। तो जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है तब आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है जिससे कि आप ये पता कर सके कि आपका एग स्पर्म के साथ मिल गया है। जब आपका एग और स्पर्म मिल जाता है उसके लगभग 5 दिन के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है उसी के बाद से ही आपको सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो एग और स्पर्म मिलने के लगभग 6-12 दिन के बाद आपको 5-6 सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। तो उन लक्षणों में से पहला है क्रैम्पिंग। जब आपका फर्टिलाइज्ड जाइगोट आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तो उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है जो कि आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द जैसा महसूस होगा, जो कि बिल्कुल भी सिमिलर होता है पीरियड के दर्द जैसा लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का होता है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी नजर आ सकता है जिसका कलर बिल्कुल भी पिंक या फिर ब्राउनिश हो सकता है, और ये जो स्पॉटिंग है लगभग आधे दिन या फिर 1-1.5 दिन के लिए हो सकता है, और ये ब्लीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है और इसमें पैड लगाने की भी जरूरत नहीं होता है जिसे कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर क्रैम्पिंग है वो लगभग 50-60% महिलाओं को फील ही नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है या फिर हो रहा होता है तब आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना भी शुरू हो जाता है, यानी कि आपका जो ब्रेस्ट है वो टेंडर हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और आपका जो निपल का एरिया है वो भी काला होने लगता है और जो निपल है वो भी प्रोट्रूड होने लगता है। इसके अलावा जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकता है, यानी कि आपका पेट हमेशा ही फूला या फिर भरा हुआ लगेगा। ये भी एक क्लासिक सिग्नल होता है एग के साथ स्पर्म का मिलने का, यानी कि फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने का। इसके साथ साथ बहुत सारे महिलाएं इस समय मूड स्विंग्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। हार्मोन का तेजी से बदलाव के कारण आपको कभी रोना आ सकता है, कभी आपको हंसना आ सकता है, यानी कि आपका मूड स्विंग्स भी हो सकता है। तो ये जो 5 लक्षण है वो आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि आपके एग के साथ स्पर्म मिलने के 6-12 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है, और वो भी आपके पीरियड मिस होने से पहले। लेकिन आपके एग के साथ स्पर्म का मिलना या फिर फर्टिलाइजेशन होना या फिर इम्प्लांटेशन या फिर प्रेगनेंसी को कन्फर्म हम तभी मानेंगे जब आपका पीरियड्स मिस हो जाएगा। अगर आपको पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 6-7 दिन के बाद अगर आप होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपका 2 पिंक लाइन आता है तभी जाकर आपका प्रेगनेंसी कन्फर्म हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।